हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सी जी आई टी गुरुजी में। आज हम लोग देखेंगे हम लोग पाथ वेरिएबल हम कैसे सेट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट वेरिएबल हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं एक ही वीडियो में, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया था, ठीक है, इससे पहले बताया था कि हमने माई एस क्यू एल, ठीक है, माई एस क्यू एल ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था आपको, हमने पाइथन का प्रोग्राम देख चुका है, ठीक है, पाइथन देख चुका है, माई एस क्यू एल देख चुका है और जावा का हमने देख चुका है, ठीक है। तो ये तीनों जो सॉफ्टवेयर है इसके प्रोग्राम्स हम लोग किसमें रन कराते हैं, कमांड लाइन में, ठीक है, कमांड लाइन में, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग इस कमांड प्रॉम्प्ट इसमें हम लोग रन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम लोग रन कराते हैं तो हम मैंने आपको बताया था कि इसमें पाथ वेरिएबल सेट करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है, ठीक है। तो हम लोग आज देखेंगे कि पाइथन, MySQL और जावा तीनों का हम लोग देखेंगे कि हम पाथ वेरिएबल कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा पाइथन, MySQL और जावा ये तीनों हमारे अभी पाथ वेरिएबल सेट नहीं हुए हैं तो हमें ये कैसे दिखाता है, ठीक है। तो उससे सबसे पहले मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ आर किया, ठीक है, विंडोज़ आर कमांड किया और रन कमांड चलाया, ठीक है। विंडोज़ कीबोर्ड में हमने क्या टाइप किया, विंडोज़, ठीक है, प्लस आर, ये होता है रन कमांड। इस रन कमांड में हमने लिख दिया CMD, CMD लिख के एंटर कर दिया, ठीक है। CMD लिख के जैसे एंटर किया यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पाइथन का कमांड चला के देखते हैं, MySQL का और जावा का, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जावा का, ठीक है, जावा वर्जन लिखा, एंटर। देखिए यहाँ पे जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एस एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड का एरर आ रहा है, ठीक है। या जावा सी करके भी देख लेते हैं, जावा सी हाइफन वर्जन, ठीक है, एंटर किया, देखिए यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जावा का हम लोग कैसे पाथ वेरिएबल सेट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 चला रहे हैं, अपने सिस्टम आपका सिस्टम विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, ठीक है, कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आप जाएंगे सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ सिस्टम में जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप एडवांस में आके एनवायरनमेंट वेरिएबल में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको आपको पाथ नाम का वेरिएबल दिखेगा, अगर नहीं दिखेगा आपको पाथ नाम का वेरिएबल तो आप न्यू न्यू करके यहाँ से आप पाथ नाम का यहाँ पे आप पाथ करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरा पाथ नाम का वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, तो मैंने डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू जो है, वेरिएबल नेम आ रहा है, वेरिएबल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल नेम में तो पाथ आ रहा है, वेरिएबल वैल्यू में आपको क्या करना है, जिस लोकेशन में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उस लोकेशन की यहाँ पे आपको पाथ को डाल देना है, ठीक है। तो हमें अभी क्या करना है, जावा का इंस्टॉल करना, जावा का पाथ सेट करना है, पाथ वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, जावा सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में कहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक है, तो हम कहाँ पे इंस्टॉल है देखने के लिए कहाँ जाएंगे, सी ड्राइव में जाएंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद अभी हम जावा का देख रहे हैं, प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद, ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद आपका मिल जाएगा, आपको ये जावा मिल गया, ठीक है। जावा के बाद JDK 19, ठीक है, और यहाँ पे फिर बिन, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप आके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद एडिट एड्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको ये जो पाथ है ये दिखा देगा। इस पाथ को आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे कॉपी करने के बाद, ठीक है, आप वहीं आएंगे, ठीक है, या तो आप सीधा यहाँ पे आ गए, या फिर आपको अगर इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है तो आप सीधा यहाँ सर्च बार में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल, टू एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे पाथ वेरिएबल डायरेक्ट दिख गया, ठीक है, यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेरिएबल वैल्यू में पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लास्ट में क्या कर देंगे, सेमी कॉलन आप लास्ट में डाल देंगे, एक सेमी कॉलन डाल देंगे, ठीक है। जिससे आप सेमी कॉलन डालने से क्या होता है, इसके बाद मान लो आपको और किसी सॉफ्टवेयर का वेरिएबल पाथ वेरिएबल सेट करना है तो यहाँ पे आपको डाल सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर ये बिन से आपका चिपक जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है। अब हम जावा का कमांड चला के देखते हैं, पहले इसको एग्जिट हो जाते हैं, विंडोज आर किया, CMD ओपन किया, अब जावा का वर्जन हम चेक करते हैं, एंटर किया, देखिए हमारा जावा वर्जन आ गया, मतलब हमारा जो जावा का जो पाथ है वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं MySQL का, ठीक है। तो MySQL के लिए हम क्या करते हैं, MySQL हाइफन कैपिटल वी, ऐसे लिखने से हमारा क्या होता है, हमारा वर्जन बताता है MySQL कौन से सॉफ्टवेयर का वर्जन है। या फिर हम MySQL को हम ऐसे लॉगिन करते थे, MySQL हाइफन यू रूट
पी ऐसे करते थे, फिर हमारा यहाँ पे पासवर्ड पूछता था और हम लॉगिन हो जाते थे। लेकिन देखिए यहाँ पे नहीं चल रहा है, इसका मतलब हमारा इस टाइप का अगर आपका एरर है, माई एसक्यूएल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। देखिए यहाँ पे भी क्या आया था इससे पहले, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, इस टाइप का अगर एरर आया है, ठीक है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, इसका इस एरर को आप देख के सीधा समझ जाइए कि आपका जो पाथ वेरिएबल है वो सेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो MySQL का हमें पाथ वेरिएबल सेट करना है, तो चलिए देख लेते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ठीक है, सी ड्राइव में जाएंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे है, तो आप जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम आपका जो लोकेशन है, कौन सी लोकेशन पे इंस्टॉल हो रहा है, वो चीज़ आपको वहाँ पे इंस्टॉल करते टाइम दिखाता है, ठीक है। तो वो चीज़ लोकेशन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सी ड्राइव में गए, ठीक है, फिर आपका MySQL देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोग्राम फाइल्स देख लीजिए, प्रोग्राम फाइल्स, सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद ये MySQL, ठीक है, सी ड्राइव में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद MySQL, इसके बाद आपका दिखेगा MySQL सर्वर 8.0 और यहाँ पे फिर बिन, ठीक है। इस एड्रेस को आप राइट क्लिक करके एडिट एड्रेस कर लीजिए और यहाँ पे देखिए सी ड्राइव सी कॉलन प्रोग्राम फाइल्स MySQL, MySQL सर्वर 8.0 फिर बिन, इसे आप क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और उसके बाद आप वही उसी लोकेशन में आ जाइए एनवायरमेंट वेरिएबल वाले में, एनवायरमेंट वेरिएबल एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ पाथ में आए, ठीक है। यहाँ पे आपने सेमी कॉलन पहले ही लगा दिया था, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, सेमी कॉलन लगा होना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया सी प्रोग्राम फाइल्स MySQL, MySQL सर्वर 8.0 बिन, ठीक, सेमी कॉलन फिर से लगा देंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे सेमी कॉलन लास्ट में लगाना ही है आपको, ठीक है, ओके कर दिया और यहाँ पे ओके कर दिया। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, फिर कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। अब यहाँ पे हम रन करा के देखते हैं MySQL-V, ठीक है, देखिए हमारा ये कमांड जो है सक्सेसफुली रन कर गया, MySQL वर्जन 8.0 हमारा सिस्टम में इंस्टॉल है। लॉगिन करके भी देख लेते हैं, MySQL-U root-P, देखिए हमें पासवर्ड मांग रहा है, OK 321, ठीक है, देखिए वेलकम टू MySQL मॉनिटर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने MySQL और जावा दोनों का हमने पाथ वेरिएबल सेट करना सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पाइथन के लिए, ठीक है। तो पाइथन के लिए मैंने सिंपल बताया था, py लिखिए, ठीक है, तो py करने से देखिए, सॉरी अभी हमें कमांड प्रॉम्प्ट में पहले एग्जिट होना पड़ेगा, यहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से भी हम एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट खोला, पी वाई लिखते हैं, देखिए पी वाई इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड आ रहा है, या पी वाई या फिर कई कई सिस्टम में पाइथन भी वर्क करता है, ठीक है, तो दोनों कमांड आपका नहीं चल रहा है, ठीक है, पाइथन कमांड चलाने के लिए। तो इसका मतलब ये वाला पी वाई इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड का एरर आ रहा है, इसका मतलब है ना, या पाइथन में भी लिखने पर हमारा नॉट रिकॉग्नाइज्ड एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड एरर आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो पाइथन सॉफ्टवेयर है इसका जो हमारा जो है पाथ वेरिएबल सेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा, जिस लोकेशन में आपका पाइथन का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, उसका लोकेशन कॉपी करना पड़ेगा, पाथ वेरिएबल में सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइथन का आपका जो लोकेशन है वो कहाँ से मिलेगा आपका, ठीक है, सी ड्राइव्स, यहाँ पे यूजर्स, यूजर्स में जाने के हेमंत, ये आपका आपके सिस्टम में आपके यूजर सिस्टम का जो नाम है वो आएगा, ठीक है, जैसे मेरे सिस्टम का नाम अभी हेमंत है इसलिए हेमंत आ रहा है, आपके सिस्टम में जो भी होगा वो आएगा, ठीक है, हेमंत में क्लिक किया। फिर यहाँ पे आपको आना है ऐप डाटा में, ऐप डाटा में आने के बाद आपको क्या करना है, लोकल, ठीक है, लोकल में आने के बाद आपको यहाँ पे पाइथन दिखेगा, प्रोग्राम्स, ठीक है, प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपको पाइथन, पाइथन के बाद यहाँ पे आपका Python 3 11, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे आपको ये वाला जो लोकेशन है इसको आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके एडिट एड्रेस करना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना है, सी यूजर्स हेमंत ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम पाइथन, ये इस लोकेशन को आपको कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके आपने कॉपी कर लिया। अब आप फिर से आएंगे एनवायरमेंट वेरिएबल में, ठीक है, एडिट एनवायरमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आप पाथ में आएंगे और यहाँ पे फिर आप सेमी कॉलन तो आपने लास्ट में लगाई दिया था, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पेस्ट, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए सी यूजर्स हेमंत ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम पाइथन 3 11 आ गया और यहाँ पे सेमी कॉलन देके ओके कर देंगे।
यहाँ पे भी ओके कर दिया। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते हैं पहले। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पी वाई कमांड चलाते हैं। पी वाई देखो, पी वाई इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, पाइथन चलाते हैं। पाइथन चलाने के बाद आपका ये सक्सेसफुली आपका रन कर गया है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था किसी किसी सिस्टम में पी वाई से चलेगा, किसी किसी सिस्टम में पाइथन से चलेगा, ठीक है। तो पी वाई से नहीं चल रहा मतलब आपका जो वर्जन इंस्टॉल है 3.11, ठीक है, आपके सिस्टम में हो सकता है पाइथन सपोर्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या सपोर्ट कर रहा है, पाइथन। और यहाँ पे ट्रिपल एरो आ गया, मतलब हम यहाँ से पाइथन का कमांड चला सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंटर। देखिए हेलो वर्ड हमारा आउटपुट आ गया, ठीक है। इस प्रकार इससे प्रूफ होता है कि हमारा जो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है वो पाथ वेरिएबल इसका सेट हो चुका है, ठीक है। तो आज हमने तीनों जो हमारे MySQL, ठीक है, पाइथन, ठीक है, MySQL और जावा, तीनों सॉफ्टवेयर के हमने पाथ वेरिएबल सेट करके हमने देख लिया है। इसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में हम कैसे चला सकते हैं, ठीक है। पाथ वेरिएबल सेट कर नहीं करने से क्या एरर आता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पहले बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस तरह के वीडियो और मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।